जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों का आज भी पहुंचना लगातार जारी है। पचपदरा से विधायक अरुण चौधरी राजे के आवास पर पहुंचे हैं। तो आपको बता रहे हैं, सियासी रण जो है अब सीएम के चेहरे के ऊपर कवायद जो है तेज हो गई है। कई बड़े चेहरे इस रेस में शामिल है और इसी क्रम में वसुंधरा राजे के घर पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। कल से लेकर अब तक कई विधायक वसुंधरा राजे के घर पर आ चुके हैं। पचपदरा विधायक भी अब वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे हैं और ऐसे समाचार सामने आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। ये तो लगातार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस रेस में आगे हैं और विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। पचपदरा से विधायक अरुण चौधरी राजे के आवास पर पहुंचे हैं। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी में कौन अब मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, इसकी जद्दोजहद में लग गई है। बीजेपी का शेष नेतृत्व इसमें लग गया है। तमाम नेताओं का, बड़े शेष नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं जहां कई दावेदार जो हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री यहीं जयपुर में ही है और जयपुर में ही कई विधायक इनसे मिलने आ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा वो चेहरा है जिसके हाथ में सत्ता की कमान जाएगी। जहाँ एक और अब तक 45 विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं, पचपदरा विधायक भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने। तो अब जब विधायक दल की बैठक होगी, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर आएंगे और उसके बाद में सर्वसम्मति से सीएम के चेहरे का चुनाव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल गहमा गहमी तेज है, लगातार बैक टू बैक दौरे जारी है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है और ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके समर्थक विधायक लगातार पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में पचपदरा से विधायक अरुण चौधरी भी उनके आवास पर पहुंचे हैं और इन मीटिंग्स के दौर बैक टू बैक जारी हैं। पचपदरा विधायक अरुण चौधरी राजे के आवास पर पहुंचे हैं। और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री इन विधायकों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। और आपको बता दें, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी कई विधायकों से मिली थी, कई मीटिंग्स चली थी और एक बड़े वोटों के अंतर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूर्व मुख्यमंत्री ने जीत हासिल की। और अब जयपुर में जीतने के बाद विधायकों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कई विधायक इनसे मिलने पहुंच रहे हैं और इन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि हाईकमान, आला कमान, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का किसके हाथ में कमान सौंपेगा, प्रदेश की जनता की कमान किसके हाथ में जाएगी। लेकिन आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे, जिनमें सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो सीएम के पद की दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें ओम माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अश्विनी वैष्णव और कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं।